नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र में किराएदारों को लेकर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, किराएदारों को बड़ी राहत, 3 महीने तक नहीं मांगा जाएगा किराया। लॉकडाउन की वजह से खाने के साथ साथ रहने की भी भारी दिक्कत हो गई है। ये समस्याएं तो सबके सामने हैं, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है और ऐसे में वो पैसा कहाँ से लाएंगे, क्योंकि सारे काम बंद हैं। और ऐसे में मकान मालिकों को किराया चुकाएंगे कैसे। महाराष्ट्र सरकार ने लोगों की इस समस्या को देखते हुए निर्देश जारी किया है, सभी मकान मालिकों से 3 महीने तक का किराया नहीं मांगने को कहा है। और इसके साथ ही ये भी कहा है कि अगर कोई किराएदार किराया नहीं दे रहा है तो उससे तत्काल मकान खाली कराया नहीं जा सकता है। आज महाराष्ट्र में ज़्यादातर लोग भाड़े पर रूम मकान लेकर अपनी जीवन गुजर कर रहे हैं। यहाँ तक यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसी तरह से कई राज्यों से आए महाराष्ट्र में लोग जो रोज़गार बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसे हालात में जहाँ पूरा देश लॉकडाउन में है और उनके सामने एक बड़ा संकट का पहाड़ है, और उनके भाड़े के मकान का किराए देने उनके लिए संकट का पहाड़ जैसी है। और यही सब मामले को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आदेश जारी किया है, 3 महीने तक किराए मकान मालिक नहीं वसूल सकेंगे। और मुख्यमंत्री ऑफिस से इस बारे में एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट में लिखा है, महाराष्ट्र गृह निर्माण विभाग ने सभी मकान मालिकों के लिए निर्देश जारी किया है। उनसे कहा गया है कि वो अपने किराएदारों से 3 महीने तक पैसे नहीं मांगें। इस दौरान किसी भी किराएदार को पैसे न होने की वजह से घर से भी न निकाले। जाहिर है लॉकडाउन के दौरान कई लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। ऐसे में मकान का किराया चुकाना बेहद मुश्किल है। कई मजदूर पैसे की कमी की वजह से बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, उनके लिए मुंबई में रहना अब आसान नहीं है। ऐसे में उन्हें उम्मीद थी कि रेल सेवा बहाल होने पर वो अपने घरों के लिए रवाना हो जाएंगे, जिससे उनके सामने रहने और खाने का संकट नहीं रहेगा। इस घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठने लगे। माना जा रहा है कि उद्धव सरकार ने यह फैसला उसी घटना को देखते हुए आदेश जारी किया है, और इस मुद्दे पर लोग तरह तरह के पिछले दिनों सवाल खड़ा कर रहे थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो कदम उठाया है बेहद सराहनीय है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।